Guys, in today's video, we are talking about animal kingdom. Animal kingdom, which is a tough to learn because इसमें बहुत सारे example होते हैं, बहुत सारे phylum होते हैं, जो आपको बहुत आसानी से याद नहीं हो पाते हैं. But इसके लिए आज मैं आपके लिए trick लेकर आई हूँ. हर phylum के कुछ examples के साथ उनकी trick है. तो अगर आप इन examples को और phylum को याद रखना चाहते हो, तो please watch this video till the end. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले पहला है किंगडम पोरीफेरा. ठीक है, सबसे पहले कौन सा किंगडम आता है? पोरीफेरा. जिसमें एग्जांपल है साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला. ठीक है, ये तीन इसके एग्जाम्पल है. उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, साइको यू स्पून. साइको मीन्स जो पागल होते हैं, साइको यू नो, साइको यू मतलब हम कह सकते हैं यू ई को अगर हम साइलेंट कर दें तो यू स्पून, मतलब तुम साइको हो. एंड इट्स थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, साइको यू स्पून. ठीक है, तो साइको से हो गया साइकॉन, यू से होगा यू स्पॉन्जिया, एंड स्पून से हो गया स्पॉन्जिला. उसके बाद है किंगडम निडेरिया. किंगडम निडेरिया के एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया, एडम्सिया, पेन्यूटुला, गोरगोनिया, मिंडराइना. इसकी ट्रिक है पापा गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो पी से फाइसेलिया, ए से एडम्सिया, पी से पैनुटला, और उसके बाद गुड मॉर्निंग में जी से गोरगोनिया, और मॉर्निंग से मिंडराइना. ठीक है, उसके बाद है किंगडम टीनोफोरा. देखिए, किंगडम निडेरिया और किंगडम टीनोफोरा, ये दोनों ऐसे समझ लो कि किंगडम निडेरिया बड़ा भाई है और किंगडम टीनोफोरा छोटा भाई है. ये मैंने ऐसा क्यों कहा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं एनिमल किंगडम के बारे में बात करूंगी. ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी और वीडियोज़ पड़ी हुई हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड, हो सकता है मैंने उसमें आपको बताया भी हो, तो उनको ज़रूर दिखेगा. तो किंगडम टीनोफेरा, इसके एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना. इसकी ट्रिक है पीसी. व्हाट इज पीसी? पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर. तो पी से प्लूरोब्रैकिया एंड सी से टीनोप्लाना. उसके बाद है किंगडम प्लेटीहेल्मिंथीस. प्लेटीहेल्मिंथीस, इसके एग्जांपल है टीनिया विच इज़ अ टेपवर्म एंड फेशियोला विच इज़ अ लीवर फ्लूक. तो इसकी ट्रिक है तानिया, कोको कोला मत पियो, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो कैसे? टीनिया मतलब तान्या, कोको कोला मतलब फेशिकोला, और लीवर मतलब कि लीवर फ्लूक. तो तान्या से हो गया टेनिया, कोको कोला से हो गया फेशियोला, फेशियोला, और उसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं. तो इस तरीके से मैं याद हो गया. उसके बाद है किंगडम एस्किहेल्मिंथीस. इसके एग्जांपल है एस्केरिस, वाउचेरिया वोंग्राफ्टी, और एनसाइक्लोस्टोमा. तो इसकी ट्रिक है ओ, मतलब गर्ल्स आजकल मोस्टली यूज़ करती हैं वर्ड ओ, यू नो जिस नॉर्मली कि यू आर सो क्यूट ओ. सो हम याद हो सकते हैं ए से स्कैरिस, और फिर ए से एनसाइक्लोस्टोमा, और डब्ल्यू से वाउचेरिया. उसके बाद है किंगडम एनेलिडा. किंगडम एनेलिडा में है एग्जांपल्स नेरिस, फेरिटिमा, हिरुडनेरिया. इसकी ट्रिक है फेरे में नर नारिया. तो फेरे में फेरे, फेरिटिमा का हो गया फेरे, नर से हो गया नेरिस, और नारिया से देखिए हिरुडनेरिया. ठीक है, तो नारिया नॉर्मल. उसके बाद है किंगडम ऑर्थोपोडा. ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किंगडम होता है. ठीक है, ज़्यादा इसमें वो पाए जाते हैं एनिमल्स. तो किंगडम ऑर्थोपोडा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स के नाम. ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा. इसमें तो इकोनॉमिकली में है एपिस, जिसको हनी भी बोलते हैं, बम्बैक्स जिसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं, लेसिफर लैक इंसेक्ट होता है. उसके बाद है वैक्टर्स. वेक्टर्स हैं एनाफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस. तो ट्रिक है इसके लिए, अगर आपको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट याद रखने हैं तो इसकी ट्रिक है लैब. लैब से लेसिफो और एपिस और बोम्बैक्स. उसके बाद है ट्रिक वेक्टर्स के लिए. तो वेक्टर्स के लिए है एन एक्स एडिस. एन मतलब एन, और जब आप कोई वोवल लिखोगे तो उसके आगे एन लगाना होता है. तो हो गया एन एक्स एडिस, मतलब कि एक पुरानी एक्स एडिस. तो एन से हो गया एनाफिलिस, फिर एक्स से हो गया क्यूलेक्स, और एडिस तो एडिस है. उसके बाद है किंगडम मोलस्का. इसमें आता है पायला, पिंकटाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, अप्लेश. तो इसकी ट्रिक है पाई पिन से लो, पस अप्लाई करो. ठीक है, पाई पिन से लो, पस अप्लाई करो. पाई से हो गया पाई पिन. ठीक है, पाई पिन से एस ई से सीपिया, लो से लोलिगो, और ऑक्टोपस से हो गया पस, अप्लेशन से हो गया अप्लाई करो. उसके बाद है किंगडम एकाइनोडर्मेटा, ऑफिरिया, एस्टेरिस, इकाइनस, एंटीडॉन,
कुकमेरिया, उसके आगे उफ एस्टर एज डॉनकोमारिया, उफ पता नहीं उफ, तो ओ से हो गया ऑफ, एस्टर एक विलन का नाम है ठीक है, एस्टर उस ठीक है, एकाइनस ने देखो लास्ट में अस लगा हुआ है, अस उस डॉन को मारिया, क्योंकि मेरे के लास्ट में आ रहा मारिया, तो नॉर्मल आप याद रख सकते हो अच्छे से, उफ एस्टर उस डॉन को मारिया ठीक है। उसके बाद है किंगडम हेमिकोरेटा इज लास्ट, ब्रेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस बोथ एग्जाम्पल हैव ग्लॉसेस, इनके लास्ट में क्या है ग्लॉसेस है, तो हम सिंपल इनको याद रख सकते हैं। गाइज आई होप आप लोग को ये ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, एंड टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 2019 के लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा बिकॉज वरना फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो अगर आप कोई ईबुक भी बाय करना चाहते हो तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।